वीरता की ढाल शौर्य की तलवार हूँ, कर्तव्य से भरा हुआ सिंह विकराल हूँ, सृजन हूँ प्रलय हूँ, कर्म का कमल हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हरियाणा न्यूज की टीम जहां पर मौजूद है, जिन लोगों के बीच मौजूद है, उनका तो नारा ही ये है कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। जी हां, हम मौजूद हैं अपने देश के वीर जवानों के साथ, BSF की फोर्स के साथ। आज हम मौजूद हैं जिनके साथ आज हम दिवाली मनाएंगे। हम जानेंगे कैसे देश की रक्षा करते हुए भी ये अपने सभी त्योहार मनाते हैं। होली, दिवाली, चाहे देश का कोई भी त्योहार हो, लेकिन इनके लिए सबसे पहले होता है देश प्रेम। देश की रक्षा करना ये बखूबी जानते हैं, और तभी तो अपने परिवार से दूर रहकर, एक परिवार से भले ही ये दूर हो, लेकिन अपने इस BSF के जवानों के परिवार के साथ रहकर ये हर त्योहार को बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कहाँ की आप रहने वाले हैं। आप बैठिए सर, और आपका नाम क्या है सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैम, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा से विलोम रखता हूँ, और हमारा नाम इंद्रजीत दहिया है। सर, आज दिवाली का खास मौका है, आप परिवार से दूर होते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपको देश की रक्षा करनी है। किस तरह से दीपावली के या किसी भी त्यौहार को आप मनाते हैं परिवार से दूर रहकर? सबसे पहले तो मैम हम बताना चाहते हैं कि दिवाली हमारे लिए, बाद में सबसे पहले हमारा सीमा सुरक्षा, हमारी सीमा की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर की याद आती है ऐसे समय में जब त्यौहार होते हैं? घर की यादें तो आती है मैम, लेकिन क्या कि पहले हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारी सीमा का सुरक्षा करना, बाद में हमारे घर की यादें होती हैं। तो देखिए, ये वो जवान हैं जिनको घर की याद आती भी है, तो इन्हें पता है कि पहले इनके लिए देश है, सुरक्षा जरूरी है देश की, त्यौहार तो मनाते रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले? जी मैम, मैं आगरा से रहने वाला हूँ, मेरा नाम अखिलेश मानी। दिवाली का त्यौहार है, कैसे आप अपने परिवार के साथ, इस परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं? जी मैम, यहाँ आने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी घर से दूर आए हैं। यहाँ पे आने के बाद सभी अपने हो गए हैं, अपना एक परिवार है ये भी हमारा, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है इधर आके। और घर की यादें तो आती हैं, ये तो हर किसी को आती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले कर्तव्य हमारा, हमारी ड्यूटी है मैम, और यहाँ पे हमारी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो हमारे घर वाले हैं वो अच्छे से दीपावली मना पाएंगे मैम। अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करेंगे तो कैसे दिवाली मनाएंगे घर वाले? मैम, यहाँ तो आप अगर बात करें तो घर से ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग होते हैं मैम, यहाँ पर लिमिटेड हैं, सब अभी भाई हैं, अपनी बहनें हैं, सभी के साथ किसी के साथ भी आप दिवाली मनाओ, बहुत पटाखे जलाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो घर से तो बहुत अच्छा है यहाँ पे मैम। देखिए, ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि घर पे तो कुछ लोग होते हैं, परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार होता है जिसके साथ हम खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं, तो वो उत्साह जो है दिवाली का वो दोगुना हो जाता है। मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? मैम, झारखंड की हूँ और मेरा नाम बसंती बिरुआ है। झारखंड के आप हैं, झारखंड की अगर मैं बात करूँ, किस तरह से वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है? हमारे गांव पे दिवाली ज़्यादा नहीं मनाया जाता है,
मगर फिर भी हम लोग पटाखा वगैरह फोड़ते हैं। त्योहारों पे जब घर से दूर होते हैं, मन करता है घर जाने का, परिवार के पास जाने का? जी हाँ, मन तो करता है। फिर कैसे खुद को समझाते हैं? अभी तो फोन का जमाना है, वीडियो कॉल वगैरह से बात होती है, तो फिर ऐसे ही बात होती है। तो वीडियो कॉल करके त्योहारों पर बधाई देते हैं घर वालों को, खुशी मनाते हैं उनके साथ? यस मैम। देखिए, वीडियो कॉल एक ऐसा माध्यम है कि हम कनेक्ट हो पाते हैं अपने परिवार की, उनका चेहरा देख पाते हैं, उनके सामने आकर उनसे बातचीत कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम लावण्या है, मैं तेलंगाना के रहने वाली हूँ। त्योहारों के समय में कैसा महसूस करते हैं, यहाँ की अगर बात की जाए, उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर त्योहार आप मना पाते हैं? यस मैम, हम यहाँ पे सब कोई है, हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा मनाया जाता है। फैमिली मेम्बर्स है बस, यहाँ पर फ्रेंड्स है ना, हर कोई मिलता है, हर स्टेट से है, तो हम कोशिश से मना लेते हैं। नाम क्या है? एएसआई रणबीर सिंह। सर, आप कहाँ के रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी। खूब अच्छी तरह मनाते हैं मैडम। जो भाई हमारे छुट्टी चले जाते हैं वो अपने घर मनाते हैं, जो हमारी ड्यूटी के दौरान में आ जाते हैं, जैसी ड्यूटी है उसी प्रकार हम इसी प्रकार यहाँ के त्यौहार को मनाते हैं, दीपावली, पटाखे वगैरह सब छोड़ते हैं सर। मैम, मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि BSF जो है, हमारा जो डिफेंस का है, वो पहला लाइन है। जैसे कोई भी बात होता है पहले BSF को ऊपर आता है, बाद में कोई आर्मी रहता है, कोई भी फोर्स, अदर फोर्स जो है हमारे पीछे में रहते हैं। और अगर हम इधर मौजूद रहते हुए सारा जो है कल्चरल प्रोग्राम है सबको अटेंड करते हैं, हमारा जो कमांडेंट है वो हमें परमिशन देते हैं, जैसे हम बॉर्डर पे रहते हैं उधर भी मिठाई पहुंची जाती है अच्छे अच्छे दिन पे, जैसे हमें कोई फील नहीं होता है कि घर पे होकर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई उस सबसे फाइनेंशियल में हो चाहे जैसे भी हो, किसी के मुंह में मिठाई भी लगता नहीं है, लेकिन हमारे हर कोने में मिठाई पहुँच जाती है, कैंडल भी पहुँचा देते हैं, हमें सब कुछ करने का मौका मिल जाता है। तो देखिए, नारी शक्ति का परिचय देती हमारी देश की महिला जो जवान है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो सीना जो है वो गर्व से और चौड़ा हो जाएगा जब हम देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, और यहाँ पर एक शक्ति का स्वरूप साफ साफ जो है नज़र आता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, आपकी रैंक? सबसे पहले समस्त देशवासियों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम सपना है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं महिला आरक्षक हूँ सीमा सुरक्षा बल में। नारी शक्ति का परिचय आप तमाम महिलाएं यहाँ पर दे रही हैं, क्या मैसेज आज के दिवाली के इस खास पर्व पर आप हमारे देश की महिलाओं को देना चाहेंगी? हमारे भारतवर्ष की समस्त महिलाओं को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अभी लड़कियाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कि वो नहीं कर सकती है या अपने आप को कमज़ोर पाएँ, बिल्कुल भी नहीं, वो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, अपनी सफलताओं को दिखा रही हैं। और मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप आगे आएँ और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। तो दिलों में उमंग लिए आज हम दिवाली की खुशियाँ अपने जवानों के साथ कुछ गीतों के साथ मनाएंगे, और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कांस्टेबल अंकित दैया और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा गीत सुनाएं? आज मैं ये देश है वीर जवानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, यहाँ चोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में। ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, 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 दे देंगे जान अपनी, दे देंगे जान अपनी, कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान
कश्मीर नहीं देंगे हमसे आकर के जो कोई टकराएगा हमसे आकर के जो कोई टकराएगा बेमौत मरेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा हम अपने बुजुर्गों की हम अपने बुजुर्गों की जागीर नहीं देंगे हम अपने बुजुर्गों की जागीर नहीं देंगे ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे ये शान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे बहुत यही यही एक बार दिखाइए तस्वीरें यही हमारे जवानों के जज्बे हैं हौसले हैं जान दे देंगे लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे होगा देश का उद्धार मत ना भूलो बार बार गांधी नेहरू की पुकार हम सब एक हैं वो हम सब एक हैं ओए एक है अपना वतन और एक है अपनी जमीन एक है अपना वतन और एक है अपनी जमीन आन बान शान पर आ नैने देंगे कोच कमी गांधी जी का है संदेश दुश्मन रह जा रंग देख हिंदू मुस्लिम हो या सिख हम सब एक हैं मेरा नाम अजीत राजवंशी मैं असम से बिलोंग करता हूं मैं और आपके हरियाणा न्यूज चैनल की माइटम से मैं 95 बी वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हम जैसे हर बंदे तो हम त्यौहार में छुट्टी तो नहीं जा पाते हैं लेकिन यहाँ पे रहते हुए भी हम एक परिवार की तरह मिलजुल के बहुत धूमधाम से मनाते हैं त्यौहार सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं असम का रहने वाला हूँ मेरा नाम नयन बोरो और दिवाली का त्यौहार है यहाँ पर कितनी धूमधाम से मनाते हैं अपने इस परिवार के साथ उसे पूरी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग त्यौहार का पटाखे जलाते हैं कैसे दिए जलाते हैं अब मिठाइयाँ खिलाते हैं मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं आपको पूरा हेल्थ का भी ध्यान रखना है लेकिन उस बीच मिठाई थोड़ी बहुत तो खाई जाती है हाँ खा दो तो देखिए इस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिए जलाकर ये हमारे देश के जवान बीएसएफ के जवान जो हैं दिवाली का त्यौहार मनाते हैं यूं कहें हर त्यौहार इसी तरह से धूमधाम से और बेहद खुशी के साथ उमंग के साथ मनाते हैं तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर खड़े रहकर देश की रक्षा तो करती ही है लेकिन हमारे ये वीर जवान उतना ही ज़्यादा मनोरंजन में भी इंटरेस्ट रखते हैं या यूँ कहें जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनको भी बखूबी निभाते हैं तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये हमारे देश के जवान हैं जो एक तरफ पराक्रम शौर्य की मिसाल बनते हैं तो दूसरी तरफ इनका ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जहाँ पर ये संगीत को समझते हैं संगीत की धुनों को परखते हैं सब इसमें हमारे जो ग्रुप है ये क्लासिकल बैंड के नाम से बीएसएफ में सब क्वालिफाइड हैं और हम बॉर्डर पर जा कर के और उनका हौसला अफजाई करते हैं और संगीत में जो एक माहौल बनाते हैं ताकि उनको घर की याद और जोश और मन में ऐसा कुछ ये ना हो कि हम दूर हैं और देश की सेवा ये करें और हम सब उनका मनोरंजन भी करते हैं समय समय पर बॉर्डर पर जब ज़्यादा टेंशन नहीं होती लाइट मूड में होते हैं अगर बोर हो रहे होते हैं तो सुनते हैं संगीत इस तरह से हाँ बिल्कुल सुनते हैं परफॉर्म भी करते हैं और मतलब हर तरह की जैसा माहौल होता है उस टाइप का हम संगीत परफॉर्मेंस करते हैं
तो देखिए हमारे देश के जवानों को संगीत से कितना प्रेम है उसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि शुक्ला, सुपुत्री श्री सूर्य प्रकाश शुक्ला
आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती, जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहीदों की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती, शहीदों की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। अगली पंक्ति मैं अपने देश के युवा पीढ़ी को समर्पित करती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। नमस्कार, मैं शर शुक्ला आज आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तिरंगा हमारा है, तू मेरा गगन।
भक्ति वाली, पराक्रम वाली, शौर्य वाली दिवाली। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हैप्पी दिवाली।